में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में एटा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां कासगंज, एटा और मैनपुरी पुलिस की संयुक्त टीमों ने इस गैंग के दो शातिर मुख्य आरोपी अमित उर्फ सत्येंद्र और मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पांच लोगों के इस खूंखार गैंग का सरगना मुख्य आरोपी अमित उर्फ सत्येंद्र बताया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले मैनपुरी में कार सवार बदमाशों ने पति के साथ जा रही महिला को अगवा कर लिया था और फिर रास्ते में बदमाशों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और गहने लूट लिए। इसके बाद कार सवार पीड़िता को एटा क्षेत्र में फेंक कर फरार हो गए थे। इसके एक दिन पहले कासगंज अमापुर बाईपास में भी महिला को अगवा कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार दो दिन में सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल निशान उठ रहे हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी खासकर नए दंपतियों को निशाना बनाते हुए पहले लूटपाट करते थे और फिर स्प्रे डालकर महिलाओं को अगवा कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, हमारे पास निरंतर सूचनाएं आ रही थी कि विगत कुछ दिनों में जो आगरा जोन के जिले हैं उनमें कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं, जिसमें दो घटनाएं संज्ञान में आई थी। पहली घटना कासगंज में और अगले ही दिन दूसरी घटना मैनपुरी में संज्ञान में आई थी। दोनों घटनाओं का मोडस ऑपरेंडी करने का तरीका, गैंग का तरीका लगभग सेम पाया गया, क्योंकि वहाँ पर जब मुकदमे पंजीकृत हुए, वादी से बात हुई तो मोटे तौर पर पहचान बनी। ये हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि ये एक ही गैंग का काम है और हम लोगों ने ये भी इंटेलिजेंस लगाया कि अगली घटना भी कहीं है कर सकता है, इसलिए इनको रोकना, इनको क्रैक करना, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ना जनहित में है और सभी महिलाओं की सुरक्षा के हित में, आम आदमी की सुरक्षा में। तो इसलिए हमारी टीम ने लग के, स्पेशली जो हमारी स्वाट टीम है, उनके पूरे अथक प्रयास से सूचना संकलन उन्होंने किया और इनको पकड़ लिया गया। और इनको पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो ये तस्दीक हुआ। पूछताछ भी आपने देखा, जॉइंटली इंटरोगेट किया गया मैनपुरी के साथ मिलके, कासगंज के साथ मिलके, और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये पांच लोगों का गैंग है जो कि लूटपाट करता है और लूटपाट करने के दौरान ही ये महिलाओं के साथ गैंगरेप करता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको छोड़ देता है। तो बेसिकली ये कपल्स को टारगेट करता है, ये इनका मॉडल्स ऑपरेंडाई था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, दो तमंचे, दो कारतूस, लूटा गया पर्स और 5,000 रुपये बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने गैंग के दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस पकड़े गए शातिर बदमाशों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के एटा से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट।